नमस्ते बालाजी हिंदी डायरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव मैसेजेस लेके, जो आपके पर्सन आपके लिए बोलना चाहते हैं या फिर आप उनसे बोलना चाहते हो लेकिन नहीं बोल पा रहे हो, तो वही मैसेज मैं उनके तरफ से या आपके तरफ से आपको कन्वे करूँगी। जनरल मैसेजेस है, हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी वो छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो, सन साइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि और जानना चाहते हो कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं या फिर आप उनसे ऐसी कुछ बोलना चाहते थे, तो ये रीडिंग आप देख सकते हो। और एक बात, अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर हाँ या ना में ढूंढना चाहते थे लेकिन आपको नहीं मिल रहा था, तो आप उस क्वेश्चन को अपने मन में सोच लीजिए और मैं उसका आंसर आपको रीडिंग के अंत में दूंगी, उसको आप अपने साथ मिला के देख सकते हो। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या सोचते हैं। मैनिफेस्टेशन एंड मिराकल्स, ये आपसे कहना चाहते हैं। मैनिफेस्ट कीजिए आप, अगर आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हो तो आप देखिएगा ये मैनिफेस्टेशन किस तरीके से मिरेकल बन के आपके सामने आता है। योर ड्रीम इज सून टू बी बिकम रियलिटी, ट्रस्ट योर हार्ट एंड कंटिन्यू टू फॉलो इट्स गाइडेंस। यही अगर आप किसी चीज़ को पाना चाहते हो उस चीज़ को मैनिफेस्ट कीजिए। वैसे भी आज 11/11 का पोर्टल खुला है, जिन लोगों ने भी अभी तक मैनिफेस्ट नहीं किया है तो 11 बजे से पहले आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, मतलब 12 बजे से पहले अभी भी वक्त है। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, कोई भी ऐसी चीज़ मैनिफेस्ट करें जो आपको बहुत दिल से चाह है कि वो चीज़ आपको मिल जाए। आज 11/11 पोर्टल खोला है ट्विन फ्लेम वाला, तो आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हो। और ये आपसे यही कह रहे हैं कि आपको कुछ ऐसी चीज़ों को हमेशा मैनिफेस्ट करना चाहिए जो आपके ड्रीम है, और हमेशा अगर आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट करते हो और उस पर भरोसा करते हो तो आप देखिएगा एक ना एक दिन वो चीज़ आपके सामने सच्चाई बन के जरूर आएगा। देख लेते हैं ये आपसे और क्या कहना चाहते हैं। जेमिनाई पैशन, ये कहना चाहते हैं ए मैग्निफिशेंट एंड सिडक्टिव क्वालिटी सराउंडेड यू एट प्रेजेंट एंजॉय इट। ये कहना चाहते हैं कि एक आकर्षण शक्ति जो चुंबकीय एक आकर्षण शक्ति आपको अभी महसूस होगी, और वो आकर्षण शक्ति जो चुंबकीय जो आकर्षण शक्ति आपको महसूस होगी वो आपको ये महसूस करना पड़ेगा कि आपके पर्सन आपके इर्द गिर्द है, आपके आसपास है। इस बात को सोच के आपको उनको फील करना चाहिए, ऐसा बोलने चाहते हैं। क्योंकि हो सकता है आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो, आप लोग एक दूसरे से दूर रहते हो, हमेशा मिलना नहीं होता है, तो आपको इस बात को फील करने के लिए बोला जा रहा है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। पावर, योर इंस्टेंटली नो दैट वॉट इज राइट एंड वॉट इज रॉन्ग। ये कहना चाहते हैं कि आप अभी भी जानते हो, अचानक जानते हो, हमेशा जानते हो कि क्या सही है क्या गलत है, तो आपके पास वो पावर है एंड यू हैव द पावर टू से नो और वॉक अवे एट एनी टाइम। तो आपको उन चीज़ को छोड़ के जाने के लिए आपके पास ऑप्शन है। ये रिश्ते में भी हो सकता है, कहीं कुछ चीज़ हो सकता है, ये आपको समझाना चाह रहे थे, आप नहीं समझ रहे हो, आपको ये लग रहा था कि कैसे जाऊँ, कैसे छोड़ूँ, कैसे चीज़ों को मैं मतलब बताऊँ उनसे, या फिर इन चीज़ों को मैं नहीं छोड़ सकता, तो ये आप पर डिपेंड करता है। क्योंकि ये आपके पास ही वो पावर है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, हाँ बोलना है या ना बोलना है। ये रिश्ते के बारे में भी हो सकता है कि अगर आपको इस रिश्ते में रहना है तो भी आप इसे हाँ बोल सकते हो, किसी भी रिश्ते में
और अगर नहीं रहना है तो आप उस रिश्ते से बाहर भी जा सकते हो। ये करने का जो भी पावर है ये आप ही के पास है। अभी हम देखेंगे ये आपसे और क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन। सेक्सुअल यूनियन ऑनर द प्लेस इन आवर प्लेस इन वंस अनदर वेर यू आर वंस मीट विद अवर सोल बॉडी एंड माइंड एंड फील ट्रू ब्लेस। ये कहना चाहते हैं कि आपको ये सोचना चाहिए कि हम लोग कहीं एक सेक्सुअल यूनियन में मिल रहे हैं। ये कार्ड पहले भी कल किसी रीडिंग में आया था तो एक जन ने मुझे कहा, मतलब मैं वो कमेंट किया कि मैं शादी से पहले तो सेक्स नहीं कर सकते। अरे ये करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, ये सोचने के लिए, ये माइंड की बात है। आपको करने के कौन बोल रहा है, ये तो आप सब मैच्योर हैं, कब क्या करना चाहिए ये हमें पता है। तो ऐसी बचकनी बातें करके अपना अपने जो सोच है उसे मत दिखाइए। तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि एक सेक्सुअल यूनियन के बारे में आपको सोचना है। सोचिए ऐसी एक प्लेस में हम हैं, हम एक दूसरे से मिल रहे हैं और हम अपने सोल को कनेक्ट कर रहे हैं, ऐसा आपको सोचने के लिए कहा जा रहा है। और जब ऐसा कभी होगा तब ये आपको खुद को ऑनर समझेंगे, एक सम्मानित मैन या वोमेन महसूस करेंगे कि ये आपके साथ एक यूनियन में आ पाए हैं। तो इस कार्ड का यही मतलब है और मैंने ऐसे ही कल भी बोली थी तो किसी ने मुझे वो कहा कि मैं शादी से पहले, अरे ये क्या बोल रही है उसको समझने की कोशिश कीजिए, ऐसी बातें मत किया करें कि जो बचकना लगे, लोगों को हंसी आए उसमें। देख लेते हैं तो वो क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन। एक उन्होंने कहा कि मैनिफेस्ट मिरेकल, मिरेकल को मैनिफेस्ट कीजिए। दूसरा कहा पैशन, एक पैशनेट पावर आप आपके पास है, मैग्निफिशेंट क्वालिटी जिसको आपको महसूस करना है, सेडक्टिव क्वालिटी जो आपको आकर्षण कर रहा है आपके तरफ, ऐसी बातें आपको महसूस करने के लिए बोला जा रहा है कि आपको ये सोचना है कि आपके पर्सन आपके इर्द गिर्द है और आप एक आकर्षण महसूस कर रहे हो। तीसरा पावर, किसी भी रिश्ते से आपको निकलना, रहना, कोई भी काम ये करने के लिए हाँ या ना बोलना ये आप पर डिपेंड करता है। चौथा सेक्सुअल यूनियन, ये कहना चाहते हैं अगर कभी ऐसा मौका मिला कि हम लोग एक साथ मिल रहे हैं और हमारे सोल कनेक्ट कर रहे हैं, नॉट ओनली बॉडी बट ऑल्सो सोल ऑल्सो, तो ये सोल के बात कह रहे हैं। अगर हम मिल रहे हैं, यूनियन में आ रहे हैं और तब हमारा सोल कनेक्ट कर रहा है, ये मेरे लिए ऑनर होगा, एक सम्मान की बात होगी कि हम लोग मिल रहे हैं। इस बात को सोचने के लिए कहा जा रहा है। देख लेते हैं आपका कोई भी एक क्वेश्चन का आंसर जिसका आपको इंतजार है, जिसका जवाब हम ये सौ नो में लेंगे एंजल की तरफ से। अगर आपने अभी तक नहीं सोचा है तो सोच लीजिए। आपके लिए ये कहा जा रहा है जेमिनाई कि आपका कोई भी एक क्वेश्चन का आंसर जिसको मैंने आपको सोचने के लिए कहा था, अगर आपने अभी तक वो चीज़ नहीं सुनी थी तो वीडियो को पॉज करें या सुने फिर आके देखिए। आपके लिए जो भी आंसर आया है वो आया है चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। जिस तरीके से, जिस तरफ आप इन चीज़ को सोच रहे हो कि ये सर नो में इसका आंसर आएगा या फिर मुझे इस तरीके से करना अच्छा होगा या नहीं होगा, तो हो सकता है आप जिस डायरेक्शन में इन चीज़ को सोच रहे हो, जिस तरीके से सोच रहे हो, जो करने के बारे में सोच रहे हो, जिस तरीके से करने के बारे में सोच रहे हो, आपको उस तरीके को बदलना पड़ेगा। हमेशा हर बात की उत्तर आपको ये स्वर्णों में मिल जाएगा ऐसा नहीं है। यूनिवर्स जब हमें कुछ संदेश देते हैं तो कुछ सोच समझ के ही हमारे लिए मैसेज डालते हैं। हो सकता है कि आपका वही काम होगा लेकिन आपको तरीके चेंज करने पड़ेंगे। हो सकता है आपका वो काम होगा लेकिन किसी की मदद से होगा। हो सकता है आपका वो काम होगा लेकिन अगर आप अपने तरीके बदलो, सोच बदलो, जिस तरीके से आप कर रहे हो
तो उस तरीके को बदलो तो आपका वो काम होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं अपने वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।